हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सभी लोगों ने सीटेट का एग्जाम दे दिया है कल, और सभी लोगों ने पेपर अच्छा ही किया होगा मुझे उम्मीद है। और फिलहाल यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे सीटेट का रिजल्ट को लेकर के और उसकी ऑफिशियल आंसर की को लेकर, साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती के जो फाइनल एडमिट कार्ड है उसको लेकर के भी एक सूचना है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चले गए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं सुपर टेट 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक है। आप यहां देख सकते हैं पूरी स्टडी गाइड है जो कि संपूर्ण अध्यायवार है, जिसमें आपको 5000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न, 2 सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके सुपर टेट में आना है उस पर आधारित जो है पूरी की पूरी जो स्टडी गाइड है उसको तैयार किया गया है। जबरदस्त है, जो इसमें प्रैक्टिस सेट दिया है उसको व्याख्यात्मक हल भी उसका दिया गया है, और जबरदस्त तरीके से इस बुक को डिजाइन किया है। आप यहां पर देख सकते हैं हर एक चीज जबरदस्त है। आपको जो ये बुक है ये आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से भी जाकर के आप इस बुक को जो है परचेज कर सकते हैं। तो बुक अच्छी है, अगर आप सुपरटेट 2023 की आप तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आप इस बुक को आप जरूर ले लीजिए। पूरी कंप्लीट स्टडी गाइड इनकी ये है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यहां पर आपको दो बुक दिख रही है, एक आपकी प्रैक्टिस सेट है सुपरटेट 2023 की, और इनकी एक स्टडी गाइड है, अगर आप चाहो तो आप उसको भी आप ले सकते हो। सबसे पहले आप यहां पर देखिए लिखा है कि गणित और विज्ञान के सवालों ने उलझाया 60% रही उपस्थिति। जाहिर सी बात है अटेंडेंस तो कम रहेगी ही रहेगी, क्योंकि बीएड के छात्रों को बाहर किया गया है, तो बहुत ही कम बीएड के छात्रों ने प्राइमरी का पेपर दिया है, तो इसलिए जो है यहाँ पर थोड़ी सी उपस्थिति तो कम रहेगी ही। लेकिन ये जो कहा जा रहा है, जो बच्चों के द्वारा जो मुझे बताया गया या न्यूज़ पेपर के माध्यम से भी आज कई जगह लिखा हुआ है कि जो पेपर था वो पिछली बार से थोड़ा आसान था, बाकी आसान था कि नहीं था वो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, क्या पेपर ईजी था, मॉडरेट था या टफ था पेपर, आप के माध्यम से जरूर बताइए। फिलहाल ये सब चीजें आप देख लीजिए, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैं आपको यहां पर बता दूं। ये लिखा है कि सितंबर में आंसर की और अंतिम सप्ताह में आएगा परिणाम। सीटेट की आंसर की सितंबर के पहले सप्ताह में जारी होगी, वहीं रिजल्ट सितंबर के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी करने के साथ सभी अभ्यर्थियों को उनका स्कोर भेजा जाएगा। इस स्कोर का इस्तेमाल अभ्यर्थी सीबीएसई, आईसीएसई, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आदि जगहों पर शिक्षक आवेदन में कर सकेंगे, क्योंकि अब इन जगहों पर शिक्षक बनने के लिए सीटेट जो है जरूरी है। तो फिलहाल आपको हम बता दें कि अब जो सीटेट है वो हर 6 महीने पे आएगा, एक सीटेट आपका जुलाई में हुआ और एक सीटेट अब आपका दिसंबर में होगा, इसीलिए जो इसका रिजल्ट वगैरह होता है वो बहुत टाइम से जो है यहाँ पर सीबीएसई देती है। ये बताया गया कि अगस्त के पहले सितंबर के पहले सप्ताह में आप लोगों को जो है आंसर की और सितंबर के अंतिम सप्ताह में आप लोगों को इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि पेपर कैसा रहा, ईजी था, मॉडरेट था या फिर टफ था, कमेंट जरूर करें आप लोग। चलिए अगली जो अपडेट है इसको देखिए, बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई। देखो आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, उस एडमिट कार्ड में आप लोगों को एग्जाम के टाइमिंग और एग्जाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको पता लगा, लेकिन अभी एग्जाम जो है किस सेंटर पे होना ये अभी आपको उसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल उसको लेकर के एक अपडेट है कि आज आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर 21 अगस्त 2023 यानी आज आप डाउनलोड कर पाएंगे। सभी अभ्यर्थी दिनांक 20 अगस्त 2023 तक अपना ई एडमिट कार्ड निश्चित रूप से डाउनलोड कर लें। परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी 21 अगस्त 2023 से उपलब्ध होगी। कल आपने देखा होगा सेंटर लिस्ट भी वायरल हो रही थी चारों तरफ, ठीक है, तो फिलहाल वो सेंटर लिस्ट थी और आज जो है हम लोगों को पर देखने पर यह है कि आज आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो पूरा जो है जारी हो जाएगा, और यही एडमिट कार्ड लेकर जाना है। जो एडमिट कार्ड आपने पहले डाउनलोड किया है उस एडमिट कार्ड को लेकर मत जाना, उससे एंट्री नहीं मिलेगी, इस वाली एडमिट कार्ड से आपको एंट्री मिलेगी जो आज आप डाउनलोड करेंगे। तो जैसे ही वो एडमिट कार्ड आता है मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली अपडेट है यूपीपीएससी से स्टाफ नर्स की जो भर्ती आ गई है और आज से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। महिला के 2069 और पुरुष के 171 पदों पर यूपीपीएससी करेगा भर्ती। स्टाफ नर्स परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर सोमवार को भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत स्टाफ नर्स के 171 पद पुरुष के लिए और स्टाफ नर्स महिला के 2069 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि और ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2023 निर्धारित की गई है। तो आज आप देख सकते हैं, आज आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है और आज इसका आवेदन भी शुरू हो जाएगा। तो ये रही फिलहाल आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।